Hi guys, welcome back to my channel. So let's start a new video. In this video I'm going to share my travel vlog of Haridwar. And Haridwar mein bahut pehle hi gayi thi 17 January ko hi, but ye video main abhi isliye upload kar rahi hu kyunki us time pe kuch mujhe mere phone mein problem tha and finally maine use sahi kar liya. So guys, ye editing bahut times main soch rahi thi upload karu but mujhe time nahi mil pa raha tha. So aaj finally aap ye video pura dekhna. गाइज, यहाँ से जाने में मुझे लगता है कि 500 रुपीज़ मेरे ट्रैवलिंग में खर्च हुए हैं एंड उसके बाद खाने पीने में जो लगे सो अलग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड हरिद्वार बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, इसमें कोई डाउट नहीं है. एंड हरिद्वार को देवभूमि बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे देवताओं का वास है एंड गंगा माता एंड ऑल. वहाँ पे जो नदी है बहुत ही शानदार है, आप सबको ये ऑलरेडी पता है. एंड वहाँ का जो पानी है डायरेक्ट ग्लेशियर से आता है, बिल्कुल ठंडा पानी हमेशा रहता है. एंड आप समझ सकते हो कि जनवरी के टाइम में कितना ज़्यादा ठंडा मौसम होगा उस टाइम पे. जो जितने मैंने कपड़े पहन रखे उससे आपको तो पता चल ही गया होगा कि ठंडी बहुत होगी. एंड हमारे हम जहाँ रहते हैं उसके कंपैरिजन में तो काफ़ी ज़्यादा थी ठंड. सो गाइज, हरिद्वार इज़ सच ए नाइस प्लेस, इसमें कोई डाउट नहीं है. एंड इससे मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया. एंड बात करते हैं हमारी स्पिरिचुअलिटी एंड ट्रेडिशन की, तो मुझे खुद पता नहीं था कि 10 साल पहले की जुए एंड आज की जुए में इतना डिफरेंस आएगा कि वो मंदिरों को घूमना चाहेगी, कुछ ऐसे ट्रेडिशनल प्लेस पे घूमना चाहेगी. मुझे सच में नहीं पता था. बट जब मैंने अपनी इंडिया की ब्यूटी देखा, जब मैंने एक्सप्लोर किया इंटरनेट के थ्रू, तो मुझे लगा कि हाँ मुझे घूमना चाहिए. एंड इस टाइम मेरा सेमेस्टर एंड हुआ था, थर्ड सेमेस्टर, तब मैं गई थी. एंड इतना खूबसूरत मुझे लगा वहाँ की गंगा आरती, मीन्स वहाँ पे बिल्कुल गूज बम्स आ सकते हैं आपको अगर आप जाते हो तो. एंड आप शांति से बस वहाँ बैठ के देखोगे, इंजॉय करोगे, तो आपको पता चलेगा कि कितनी खूबसूरत लगती है वो आरती. बट एक चीज़ था जो मुझे बहुत बुरा लगा, वहाँ का बिजनेस. हर जगह बिजनेस है, हर चीज़ में बिजनेस है. एंड लोगों ने गंगा आरती को या फिर हरिद्वार को जस्ट टूरिस्ट प्लेस और बिजनेस में ला के बस रखा है. उनका घर परिवार उससे ही चलता है, वो मुझे क्लियर हो गया. एंड कोई बात नहीं, सबका अपना अपना वे होता है, कैसे भी वो अपना घर चलाए अलग चीज़ है. बट यहाँ की जो ब्यूटी है वो बहुत ही स्पेशल है. एंड अगर आप चाहते हो, कभी आपको मौका मिलता है हरिद्वार जाने का, तो डेफिनेटली विजिट करो एंड इन्जॉय करो उस प्लेस को. गाइस, आप देख सकते हो बिल्कुल शाम के 6:30 हो रहे थे एंड यहाँ पे गंगा आरती हो रही थी. एंड धीरे धीरे लोग कलेक्ट होना स्टार्ट हो गए थे. यहाँ पे जो घंटा घर है वहाँ पे आप देख सकते हो कितना खूबसूरत व्यू आ रहा था. एंड पहुंचने के बाद मैंने एक क्लिप ये क्लिक कराया था जो कि बहुत ही शानदार लग रहा था. गाइस, आप देख सकते हो जो वाटर है वो कितना क्लीन है. हाँ, बट जब लोग जाके वहाँ पे नहाना स्टार्ट कर देते हैं तो उनकी सबसे बुरी हैबिट ये है कि बहुत सारे लोग जब गंगा स्नान करते हैं तो उस टाइम भी शैम्पू साबुन एंड ऑल, उसकी ज़रूरत क्या है? आप तो ऑटोमेटिकली वहाँ जाके पवित्र हो जाओगे, तो आपको किसी भी तरह के जो एक्स्ट्रा चीज़ें जस्ट लाइक शैम्पू एंड साबुन की जरूरत नहीं है. एंड आप वहाँ पे खुद को क्लीन कर रहे हो ऐसा सोच रहे हो, नहीं, आप गंगा को गंदा कर रहे हो. सो प्लीज़ इस चीज़ों का ध्यान रखो. एंड उसके बाद में ट्राई करो कि जितना हो सकते उतना हाइजीनिक एंड क्लीन रखो. वहाँ पे किसी भी तरह का कचरा फैलाने का कोई ज़रूरत आपको नहीं है. एंड अगर आप कुछ वहाँ यूज़ करते हो तो डेफिनेटली उसे अपने साथ लेके आओ. एंड ये नाइट का व्यू है, जब मैं वापस पूरी ट्रैवलिंग करने के बाद जब मैं स्टेशन पहुंची थी तब का व्यू है. यहाँ पे 3-4 हमारे भगवान शिव की मूर्तियाँ रखी हुई थी जहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ लिए. एंड नाइट में देख सकते हो कि गंगा नदी एंड वहाँ जो लाइट्स है वो कितने खूबसूरत लग रहे थे. सो गाइस, यहाँ से थोड़ा सा आगे है ऋषिकेश एंड वहाँ की भी काफ़ी सारे पिक्स है मेरे पास, मैं वो भी शेयर करूँगी आपके साथ. एंड गाइस, मैंने यहाँ पे ऐड कर दी थी वो सारे पिक्स जो गंगा आरती की थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी. एंड ये ऐसा एक मार्मिक दृश्य है जो आप खुद से जब देखोगे तो आपको सेटिस्फेक्शन होगा एंड आप ऐसा रियलाइज़ कर पाओगे वाओ. एंड सोलो ट्रिप का अलग ही मज़ा होता है. सो गाइस, ये देख सकते हो यहाँ पे एक पार्क है. जैसे ही हम हर की पौड़ी जो घाट है उससे निकलते हैं, उसके बाद में ये पार्क मिलता है जहाँ पे हम अपना एक्सप्लोर कर सकते हैं. वहाँ से हमें सेतु दिखाई पड़ता है, वहाँ पे भगवान शिव की मूर्ति है और भी बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं. वहाँ पे फॉरेनर्स विजिट करते हैं एंड बहुत सारे फ़ोटोशूट एंड ऑल वहाँ होते रहता है. यहाँ पे ज़्यादातर मैं अपनी फ़ोटोज़ नहीं ले पाया, मैंने बस वीडियोज़ ही लिया है क्योंकि सोलो ट्रिप में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है. एंड ये जो हरिद्वार की वादियाँ हैं वो अलग ही खूबसूरत है, इसे जब तक आप खुद से एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे आप नहीं समझ सकते जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ. एंड देख के अगर आप समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है.
एंड गाइज आप जो लोग यहाँ पे जिनका जन्म हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा लकी है कि इतना खूबसूरत उनको इन्वायरमेंट मिल पा रहा है, इतना शांत। हाँ लेकिन यहाँ पे होटल्स का कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है एज वेल, आप देख सकते हो कि कुछ इंडस्ट्रीज़ का कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिसके कारण से यहाँ पे कई बार ऐसे ट्रेजिडीज़ भी हुई हैं। एंड यहाँ का जो सनसेट था मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत वो लगा, क्योंकि सनसेट हो रहा था एंड वो गंगा नदी में ऐसे मन लग रहा था गंगा नदी में बस समा जाएगा, जो कि वो इतना खूबसूरत लग रहा था। मैंने सनसेट को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। एंड जब मैं यहाँ थी तो फिर मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, मुझे हरिद्वार तो डेफिनेटली जाना है जब भी मुझे मौका मिल जाए, क्योंकि इतना खूबसूरत प्लेस मैं कभी नहीं चाह रही थी कि मिस करूँ। सो गाइज आप देख सकते हो कि यहाँ की जो फ़ोटोज़ है वो कितनी खूबसूरत है। सो गाइज कुछ मैंने रियलाइज़ किया था मैच्योरिटी को लेकर, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैच्योरिटी इट्स नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ ग्रोइंग ओल्डर, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ ग्रोइंग वाइजर। मैच्योरिटी इमर्जेस फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द एक्सपीरियंस एंड विजडम, इट क्रिमिनेट्स इन रिलेशंस एंड लर्न एम्प्टी गेन्ड एंड परस्पेक्टिव ब्रॉडेंड। इट इज द कैपेसिटी टू नेविगेट लाइफ विद ग्रेस, अंडरस्टैंडिंग एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। मैच्योरिटी इज द ट्रीटमेंट टू पर्सनल ग्रोथ एंड कॉम्पेंशन एंड सेल्फ अवेयरनेस, ग्राउंडिंग वन सेल्फ एंड कनेक्टिंग विद द स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ द प्लेस। फर्स्ट स्टेप सिंबलाइज द इनिशियल थ्रेशोल्ड टू एंटर द स्केयर्ड रियल एंड बाय फिजियोलॉजिकल टचिंग इट। वन मे सीक स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन और इनवोक टू ब्लेसिंग इट, सर्व एज अ रिमाइंडर टू अप्रोच द डिवाइन विद द ह्यूमेनिटी एंड रिवर्सेंस, एक्नोलॉजिंग द सेंसिटी ऑफ द स्पेस एंड ओपनिंग वन सेल्फ टू द ट्रांसफॉर्मेशन पावर ऑफ द टेम्पल इन्वायरमेंट। अल्टीमेटली द सिग्निफिकेंस मे वेरी बेस्ड ऑन द कल्चर एंड रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट। इन द जर्नी ऑफ द सेल्फ ग्रोथ एंड पर्सनल डेवलपमेंट, इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट यू आर ह्यूमन एंड डूइंग द बेस्ट यू कैन विद द रिसोर्सेज एंड नॉलेज यू हैव। बी जेंटल विथ योर सेल्फ, ऑफर कंपैशन एंड सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस, एम्बरेस द इम्परफेक्शन एंड ट्रस्ट दैट ईच स्टे फॉरवर्ड इज अ टेस्टमेंट टू योर रेजिलियंस एंड स्ट्रेंथ। एंड देयर इज वन थिंग मोर व्हाट आई जस्ट रियलाइज, डू यू टच द फर्स्ट स्टेप ऑफ द टेम्पल? या ऑफकोर्स एवरी वन डूज इन इंडिया। इट शोज और एक्ट ऑफ द ग्राउंडिंग वन सेल्फ एंड कनेक्टिंग विद द स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ द प्लेस। फर्स्ट स्टेप सिंबलाइज द इनिशियल थ्रेशोल्ड टू इंटर द स्कैर्ड रियलम एंड बाई फिजियोलॉजिकल टचिंग इट, वन वे सीक द स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन और इनवोक ब्लेसिंग्स। इट सर्व्स एज अ रिमाइंडर टू अप्रोच द डिवाइन विद द ह्यूमिलिटी एंड रेवरेंस, एक्नोलॉजिंग द सेंसिटी ऑफ द स्पेस एंड ओपनिंग वन सेल्फ टू द ट्रांसफॉर्मेशन पावर ऑफ द टेम्पल एनवायरमेंट। सो गाइज देर इज़ वन थिंग मोर, वाई डू वी फोल्ड द हैंड्स एंड से नमस्ते? सो गाइज द एन एक्सप्रेशन ऑफ द एप्रिसिएशन एंड द रिस्पेक्ट टू यार्ड द अनदर पर्सन एंटिटी और डीडी, इट कैन बी यूज एज द हैलो ग्रीटिंग एंड इवन एज द गुड बाय। सो यू माइट से नमस्ते अपॉन द मीटिंग समवन और बिफोर पार्टिंग अवे। अकॉर्डिंग टू द हिंदू कस्टम, नमस्ते हैज अ स्पिरिचुअल मीनिंग टू। हिंदू बिलीव दैट द डिवाइन एंड सोल इज द सेम इन द एवरीबॉडी, सो वी से नमस्ते टू समवन, इट इम्पल्सेस आई बो टू द डिवाइन इन यू। दिस जेस्चर इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द ब्रो चक्रा, द माइंड सेंटर ऑन द थर्ड आई। सो गाइज दिस इज ऑल द पिक्चर्स एंड दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन वॉट आई गेट इन द हरिद्वार। And if you like my videos, so don't forget to like, subscribe and send. And upcoming, again, आगे जो videos हैं उसके अंदर मैं show करूँगी कि मैंने वहाँ क्या क्या खाया एंड बाकी सारी चीज़ें जो explore की वो सारी भी मैं add करने वाली हूँ। So please end तक देखो and enjoy करो इस video को। So guys ये night का video है and उस time में जो चीज़ें हो रही थी, जो lights थे and थोड़ी सी editing के साथ मैंने इसे represent किया, जो कि बहुत ही शानदार लग रहा है। एंड आई होप कि आपको भी पसंद आ रहा होगा। सो गाइज आप देख सकते हो नॉर्मल ऐसा दिख रहा था एंड विद आफ्टर एडिटिंग कुछ अलग ही व्यू था। एंड अभी के टाइम में अगर जाओगे, क्योंकि अभी बारिश का टाइम है, सो अभी पानी बिल्कुल मुझे लगता है कि वहाँ की एक दो सीढ़ियाँ मुश्किल से दिखती होंगी, बट जिस टाइम पे मैं गई थी वहाँ पे बहुत डाउन था, मीन्स 5-6 सीढ़ियाँ ऐसी दिख रही थी, जो स्टेयर्स वो दिख रहे थे। एंड फिर जो फोटोग्राफ्स है ये तो रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ की ब्यूटी को। सो गाइज ये सारी वो चीज़ें जो हमने खाया था वहाँ पे इस ट्रिप के ड्यूरेशन में, जो कि हमें बहुत ज़्यादा टेस्ट लगी एंड घूमने वक्त भूख ज़्यादा लगती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।